गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं मुंबई से आया हूँ, मेरे डीएनए में 5 मेंबर हैं और मेरा हमने हवन का ये एक दिन वाला दिवस चिकित्सा करा लिया है, बहुत अच्छा लगा, सब आपके शरण में आ गए गुरुजी। ये मेरा बच्चा है, इस पर एक बार देखिए प्लीज। और मेरी जो ये ऑटो इम्यून डिजीज थी, इसको असाध्य रोग, एक नहीं इसके तमाम असाध्य रोग। इसके हड्डी हड्डी बची है, दिख रहे हैं ना, और वो भी बहुत कमज़ोर है जी गुरुजी, सींग से भी ज़्यादा कमज़ोर है जी गुरुजी। अभी दरबार ने तमाम इसकी गंदगी सब हटाई है, पितरों के कारण जो समस्याएं थी हटाई हैं। इसका खून उन बनता नहीं है, बुद्धि डेवलप नहीं है, ब्रेन इसका बना नहीं। गुरुजी मेरी वाइफ भी आई है, वो अभी प्रेग्नेंट है, सेकंड मंथ चल रहा है, तो सेकंड बेबी भी बराबर हो, मीन्स ये आपसे प्रार्थना है गुरुजी, प्लीज़ ध्यान दीजिए। और माता जी आँखें बंद करें, धर्मपत्नी बुलाओ अंदर, यहीं पे है सामने, ये अंदर बुलाइए, उनको अंदर भेज दो। गुरुजी इन्हें यही प्रॉब्लम है, ये ऐसे करती है। कितना बिचारी को भयंकर कष्ट, पता है ये दरबार आने के पहले के संतान है जी। गलत मान्यता, गलत मन्नत से। हाँ जो, हाँ जो। और इसीलिए कष्ट आ रहा है। दैत्य स्मृति और दैत्य बन के इसी तरह बच्चा पैदा हो रहा है। इसको ठीक करो दैत्य गुरु जी, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो गुरु जी। सब डैमेज कर रहे हैं, इसका यूट्रस डैमेज कर रहे हैं, सब बदमाश मुल्ले काले। बदमाश नहीं हूँ मैं, बदमाश नहीं हूँ, देख रहे ये जन्म लेंगे टेढ़े मेढ़े होकर, ऐसा टेढ़े मेढ़े बन के आएंगे, जिंदगी भर इनको ढोते रहना। ये गलत जगह मान्यता से ये दैत्य तो मूल्य इकट्ठे होते हैं। नहीं गुरु जी, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। है देखिए इन्हीं का अंश है, ये अंश इन्हीं का है, ये दैत्यों का वही है सब। दरबार आने के पहले गलत मान्यता से गर्भ स्थापित हुआ है, दरबार तो आबा बाप आए हो, और ये सब इन्हीं के अंश हैं, फिर चले आ रहे हैं, फिर टेढ़े मेढ़े बच्चे आएंगे सब। गुरुजी कृपा करें गुरुजी, इसे पता है ना, अब इसको पता है इसका संहार करेंगे तो बच्चा मर जाएगा। गुरुजी आप आपकी शरण में आ गए हैं गुरुजी, हम अभी आप ही कृपा कीजिए गुरुजी, आप जैसा बताएंगे वैसा ही करेंगे गुरुजी। आप ने तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन बनाई, इसको ठीक कर दो और कुछ। ये कौन है तुम्हारा बेटा? किसका बेटा? मेरा। मेरा कौन? तुम कौन? मेरा बेटा। तुम कौन? तुम कौन? पता है अपने बारे में? दैत्य माँ हूँ मैं। माँ हो तुम? तुम माँ हो? माँ हो तुम? माँ। अच्छा माँ। दुष्ट माँ है तुम? है दैत्य? देखो ये दैत्य माँ है, अभी तो पूरा घुस भी नहीं पाया बेटा, अभी तो बाहर ही है, तो आ जा तू, इसीलिए तेरा संहार होगा, अभी तेरा नाटक नहीं चलेगा यहाँ। उस बच्चे को कुछ नहीं होगा जो पेट में है, पता है? उस बच्चे को कुछ नहीं होगा जो पेट में है, केवल तू मरेगा दैत्य, समझ गया? जो सोच रहा था फिर पैदा हो जाएगा घर में इसी तरह का टेढ़ा मेढ़ा बच्चा हो के जैसे पहले घुसाए तुम लोग, और मानो गलत गलत जगह जाके मान्यता, तुम लोग गलत जगह मान्यता मानते हो। एक दूषित मंदिर है जहाँ पे कुलदेवी की पूजा होती है तुम्हारे यहाँ बीएनए में, और हनुमान जी की पूजा होती है, वही कह रहे हैं कुल देवी। हाँ। तुम्हारी जिसको मानते हो, जो भी कौन माता हो हमसे मतलब नहीं, कौन तुम्हारी माता है पिता है। हाँ। लेकिन जहाँ भी तुम कहीं भी जाते हो, कोई स्थान खराब है जी, ये धरे हैं तुम्हारे सामने, जहाँ मान्यता मानते हो जाके ना, माता जी पुत्र दे दो, दे दिया, देखो
पहले दे दिया फिर दे रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं सब वहीं से गंदे स्थान से, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ ठीक से किसी की, और अत्थर पत्थर रख के पूजा करो, मानो मानो देवी देवता बनाए रहो नाटक। जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, जहाँ बलि बलि की प्रथा है, सब ऐसे ही गंदे लोग आएंगे, और बलि हो और गंदे गंदे लोग आएंगे। बलि का समर्थन करने वालों के यहाँ भी दैत्य ही जन्म लेते हैं, ध्यान रखना, ऐसे ही हो जाते हैं, दैत्य पैदा होते हैं, जो बलि का समर्थन करते हैं वो भी, ध्यान रखें, कहीं पर भी हो, बलि करने वाले, बलि करवाने वाले, बलि का समर्थन करने वाले, प्रेरणा देने वाले, सब पाप के भागी। देखो उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, छोड़ो हाथ, इस बड़ा ही है बच्चे को, उधर भेजिए बाहर, इसको बाहर भेजो, उसमें घुस रहा था, घुस जाएगा यहाँ आके, बच्चे में घुस जाएगा। दो लगा रखे पूरा पूरा मरेगा आज, बच्चे से भी तो उससे भी। वो देखो वहां चिल्ला रहा है, वो बच्चा वहां चिल्ला रहा है, बाहर मत ले जाओ, हेलो, बुद्धि में कीड़े पड़ गए क्या, यहीं रखो उसको, ऊपर उठा के गोद में रखो, दोनों जगह है ये, गोद में उठा के रखो, बह रहे हो क्या, ये दोनों जगह संहार होगा, उधर भी इधर भी। कहाँ आयो पता है ना, एक करौली शंकर महादेव का दरबार है, मुल्ला मौलवी का दरबार नहीं, गद्दी नहीं है, जहाँ बड़े आराम से चले जाते हो, अम्मा बन के चले जाते हो वहाँ से, मैं इसकी मम्मी हूँ, मम्मी बन के चले जाते हो, यहाँ मम्मी बन जाओगे। यहाँ मम्मी नहीं, यहाँ मम्मी बन जाओगे अभी तुम, है ना, कुल देवी हो, कुल देवी बनोगी, कुछ और बन जाओ। बच्चे से तोड़ दिया जाए इसको, लकी तोड़ दिया, लकी उस बच्चे से तोड़ा जाए, शिव बाहर निकाला जाए, ओम शिव बाहर बाहर, नष्ट करके सेवकाओं खिला दिया सारे, श्रृंगार इनके बच्चे हुए, असर और शेष स्मृतियां इनकी इच्छा विचार से इनके प्राण सब बाहर खींच ले जाए, बच्चे हुए शिव ये भी सेवकाओं खिला दिया, इनके डीएनए को नष्ट दुष्टों से मुक्त किया जाए, उच्चाटन बैलेंस शिव, त्रिपुर सुंदरी सारा जहर नष्ट कर दिया जाए जो छोड़ दिया इसने घर में, ओम शिव सब शुद्ध किया जाए, बच्चों को पवित्र कर दिया जाए पूरी तरह, बैलेंस शुद्ध किया जाए, गर्भाशय कवच वच प्रदान किया जाए बच्चों, इसमें एक विशेष जीवन प्रवेश किया जाए, शुद्ध पवित्र बैलेंस शिव, गर्भाशय शुद्ध किया जाए, गर्भ शुद्ध कर, बोल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाँ ऐसे बोलना है, तुम भी शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, पांच बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय, आँख बंद करके, आँख बंद करो, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। इस बच्चे की माँ को भी कवच प्रदान की। नमः शिवाय। शिव बच्चे को माँ दोनों को कवच प्रदान कीजिए। इसका शरीर एकदम शुद्ध पवित्र निरोगी किया जाए। बैलेंस वापस खड़े हो बेटा। ये कभी नहीं टूटते हैं मतलब बच्चे से पेड़ में पैदा होते ही क्या। मस्तिष्क की काल में सूजन खींची लाई जानी चाहिए जो कि बाहर निकल। शिव नष्ट करके से कहाँ खुला था। बैलेंस आँख खोलो। अपना बंधन खींचो पांच बार। लेपन कराइएगा एक दिन यहाँ एक दिन नाभि पे। ठीक ऐसे कम से कम 3 महीने करा देना। अच्छा जी गुरु जी। गुरु जी बच्चे से बहुत परेशान हूँ। अब तो तुम बहुत बड़े आप तो तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं वहाँ। अब जो कोई कष्ट है वहाँ पे चला गया इसी दैत्य के कारण कष्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तुम बना रखा नकली नाटक कुलदेवी देवता का जरा बचिए। ठीक है दूर रहिए। मतलब किधर है गुरु जी वो? अब ज्यादा नहीं बोल पाएंगे हम सार्वजनिक। ठीक है ना? नहीं भी तुम्हारे घर के लोग लड़ने चले आएंगे यहाँ तक। जी गुरु जी। समझ गए ना? थोड़ा कहा बहुत समझना। जी गुरु जी। अपने देवी देवताओं की पूजा करो। जी गुरुदेव। जो शास्त्रोक्त है ये नकली नौटंकी से बचिए। जहाँ मर्जी भाई पत्थर रख दिया देवी देवता बन गया तुम्हारे। जी गुरु जी। तुम्हारे नौकर है देवी देवता नहीं है। ठीक है जी गुरु जी। खुश रहो। अब देखो भी शुद्ध हो गया पवित्र हो गया। धन्यवाद गुरु जी। यही पवित्र हो गया। गुरुदेव की जय हो। देखते हो अच्छा हुआ दरबार मिला तुमको नहीं फिर टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो। खुश हो प्रसन्न। आपकी शरण में अब रहेंगे गुरु जी। खुश हो बेटा प्रसन्न। बाबा माँ की प्रार्थना पूजा करना। हाँ बोलो गुरु जी। मेरा हर्षल ठीक हो जाएगा ना गुरु जी? क्या हर्षल मेरा बच्चा? अब अपना करिए आप उसी लिए किया तुमने सब। परेशान मत ये गंदगी नहीं जाती कभी नहीं ठीक होती। और अपने मायके की गंदी पूजा से बचना। तुम्हारे मायके बहुत गंदी पूजा होती है समझ गई? बचना उससे। खुश रहिए दूर रहना उस पूजा पाठ से मायके से। और बेटा महाहवन एक कर लेना दरबार की ओर से। इस बच्चे का संकल्प लेके दोनों का जो गर्भ में वो भी और जो बच्चा ये है ना क्या नाम इसका है? हर्षल। हर्षल कहाँ रहते हो बेटा? मुंबई। ठीक हर्षल का और जो बच्चा गर्भ में है दोनों का संकल्प लेके तुम ही कर लेना। चलेगा गुरु जी। ये एक दिवसीय महाहवन है जी गुरु जी। दरबार से कराया जाता है सात दिनों के लिए निःशुल्क। अच्छा जी गुरु जी। तो जब भी है ना कर लेना टाइम लेके। ठीक है जी गुरु जी। धन्यवाद। खुश हो। बोल कामाख्या माता की, करौली शंकर महादेव की, गुरु जी की, गुरु माता की। खुश रहो बेटा प्रसन्न रहो बेटा। खूब खुश हो बेटा। सब लोग अच्छे हो गए परेशान नहीं।